सम्मानित मंच, उपस्थित सभासदों, आज का जो विषय है चिंतन से समाधान, चूंकि मैं राम जन्मभूमि मामले में किसी पक्ष का अधिवक्ता हूँ सर्वोच्च न्यायालय में, तो मैं न्यायालय की स्थिति पे तो बहुत नहीं बोल सकता क्योंकि विषय विचाराधीन है। लेकिन जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला है, मैं तीनों जज, जस्टिस एसयू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस शर्मा ने जो अलग अलग तीन फैसले लिए और उन्होंने विवादित ढांचा के बारे में तीनों जज का क्या मंतव्य था अपने फैसले में, मैं उन विषयों को आपके समक्ष 5 मिनट के अंदर रख दूंगा ताकि आप भी अपने मन में सोचें कि आखिर यह पूरा प्रकरण है क्या। सबसे पहले मैं जस्टिस एसयू खान साहब ने जो लिखा है कि जो विवादित ढांचा है अयोध्या में, वह विवादित ढांचा क्या बाबर जो एक शासक था उसके द्वारा बनाया गया। एसयू खान साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से, किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है वह विवादित ढांचा बाबर के द्वारा निर्मित किया गया। पहला विषय ये, यह जस्टिस एसयू खान का ही फैसला है। दूसरा जो उन्होंने उसमें विषय उठाया कि यह विवादित ढांचा जिसके बारे में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि 1527 में निर्मित किया गया, जबकि बाबर के बारे में यह साक्ष्य मुस्लिम पक्षकारों ने पेश किया, वह पहली बार 2 अप्रैल 1528 को सरजुग नदी के उत्तरी तट पे और घाघरा नदी के तट पे शिकार करने के लिए पहली बार आए थे। प्रश्न यह उठता है कि क्या बाबर के द्वारा वह ढांचा बनाया गया। फिर मुस्लिम पक्षकारों ने अपने तथ्य को पेश करते हुए कहा कि मीर बाकी नामक कमांडर जो बाबर के सेना में कमांडर था, उसने उस विवादित ढांचा का निर्माण किया। वह कुछ वहां जो पहले से निर्माणाधीन निर्माण किए गए स्मारक थे, जो वहां जो भवन थे उनको गिरा करके मीर बाकी ने बनाया। तो बाबरनामा में, बाबरनामा खुद बाबर की लिखी हुई अपनी आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है, उसमें बाबरी मस्जिद का कहीं कोई चर्चा नहीं है। और जो कुछ 27 मार्च 1528 और 2 अप्रैल 1528 के बीच के खुद बाबर ने कहा है कि ये कागजात हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, और उसके अलावा जितने भी बाबरनामा में कागजात हैं उसमें कहीं भी न तो बाबरी मस्जिद की चर्चा है, न ही मीर वो जो उनके जो कमांडर थे मीर उनकी कोई चर्चा है। इस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस एसयू खान साहब ने लिखा है कि यह विवादित ढांचा बाबर के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, न ही कोई ऐसा तथ्य दिया गया है पूरे मुकदमे में जिससे यह कहा जाए कि इस पर मुसलमानों का कभी कोई अधिपत्य था या कभी कोई मस्जिद था। तो जस्टिस एसयू खान साहब के फैसला है। बाद में उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस पूरे भूभाग पर जो 2.17 एकड़ भूभाग है, उस भूभाग पर हिंदुओं का और मुसलमानों का कब्जा रहा है, चूंकि एक भूभाग पे रामलला का मूर्ति है, वहाँ पूजा किया जाता है, वहाँ अर्चना किया जाता है, इसीलिए ये ज्वाइंट पोजीशन माना गया है, उन्होंने एसयू खान साहब ने कहा। बाद में जो दूसरे जज का जो फैसला आया, उन्होंने यह बात स्पष्ट किया कि बाबरी मस्जिद का कोई साक्ष्य नहीं है और यह राम जन्मभूमि रहा है, इसके साक्ष्य आए हैं, इसलिए वो फैसला दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना है कि क्या जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला है वह कानूनी रूप से सही है या नहीं है। मैं एक बात और कह दूँ कि लॉर्ड कनिंघम ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, उन्होंने वहाँ खनन कराया और खनन का जो भी माननीय इंद्रेश जी ने जो कहा कि जो खनन में जो कुछ तथ्य आए वो 250 साल और 1000 साल,
वो लॉर्ड कनिंगम के द्वारा वो खुदाई कराई गई, जिसकी चर्चा उस मुकदमे में है। उस मुकदमे और अन्य जो मुस्लिम के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसकी भी चर्चा है। इन तमाम तथ्यों को देख करके ये कहीं नहीं है कि वहाँ जो विवादित ढांचा है वह बाबर के द्वारा निर्मित कराया गया है। आज पूरे भारत में जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि साहब हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध जो सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हालांकि वो सेकुलर किसी भी मायने से नहीं है, ये जो एक भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है, इसलिए आवश्यक है आज का यह संगोष्ठी कि आप सभी इस पर चिंतन करें कि आखिर हकीकत है क्या, और सच्चाई खुद भी मनन में लाएं और अपने दोस्तों को, अपने पड़ोस में, अपने समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।